चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की खबर के साथ। नागौर के दौरे पर है सीएम भजनलाल शर्मा, सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं नागौर से। तो देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नागौर का दौरा, मुंडवा में वीर तेजाजी महिला शिक्षण संस्थान कार्यक्रम में शिरकत। पहली बारी हमारी श्री गणेशाचार्य जी को है नागौर मेरे बाद में परिसमन हो गयो, लेकिन वो सीट हमने पहली बारी कई वर्षों के बाद आजादी के बाद जीती थी। उसके बाद हम लगातार 4-5 बारी इस सीट पे हम जीते हैं, तो हमारा बीजेपी का झंडा जो है मजबूत हो गया इस सीट में। और आपने तो ही निवेदन है कि हम सब संस्था को कहते हैं, हमारी पार्टी के हमारे एमएलए, हमारे भूतपूर्व एमएलए, हम सब वर्तमान मंत्री लोग, हमारी तरफ से कोई भी सेवा होगी हम जो है आपके साथ मिलके इस संस्था को आगे बढ़ा के हमारी बच्चियों को जो है इनकी जो शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए। अभी सीआर चौधरी साहब ने जीएनएम वाला इशू आपने बताया, आप मुझे लिख के और मुझे आप अप्लाई एक एप्लीकेशन दे दो, हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। गजेंद्र सिंह जो है आपकी सेवा में है, भले आगे आगली नंबर प्लेट RJ19 है पर लारी जी को नंबर प्लेट RJ21 है, आपकी सेवा में हर वक्त रहूंगा। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए बहुत सारे कार्यक्रमों को शॉर्ट करते हुए सीधा जिम्नास्टिक, जिसके लिए पूरे देश में तेजाश्री मारवाड़ मुंडवा की एक विशेष पहचान है। नन्ही बच्चियों से लेकर स्कूल और कॉलेज की हमारी बेटियां जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक में मेडल जीत रही है, खेल कोटे से सरकार में नौकरियां पा रही है, उनकी अद्भुत प्रस्तुति रोमांचन करने वाली है। तो आइए आप सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब के मुख्य अतिथि में वीर तेजाश्री मारवाड़ मुंडवा की इन बेटियों का ये जिम्नास्टिक प्रदर्शन आप सबके बीच में। यस म्यूजिक जिम्नास्टिक जो समस्त खेलों की जननी है। प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री प्लेटो के अनुसार जिम्नास्टिक एवं संगीत के बिना शिक्षा का महत्व नहीं। जिम्नास्टिक गर्ल्स रेडी रहें।